डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन का। वह सेंस ऑर्गन है हमारा आँख। ये आँख जो हम देख रहे हैं, जो दिखाई पड़ रहा है आपके सामने, जो पड़ा हुआ है स्क्रीन पर, यह है ह्यूमन आइज। यह हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना हम कुछ भी नहीं देख सकते हैं। हमारे पास कितना भी सुंदर फूल हो, हमारे पास कितना भी सुंदर बिल्डिंग हो, लेकिन अगर आँख न हो तो हम कुछ भी नहीं देख सकते हैं। तो चलिए, हम लोग स्टडी करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं हम अपने आँख के बारे में। ये आँख क्या, कैसे है और यह कैसे काम करती है, चलिए उसके बारे में हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं ये आँख, जिसको हम हमेशा इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन वास्तव में आपको पता है, जिस आँख के बारे में हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, तो वास्तव में उसके जो कैमरा होती है, उसकी पावर क्या है। आज आपके पास बहुत से मोबाइल पड़े हैं, उसमें कुछ मेगा पिक्सल कैमरा होती है, किसी में 8, किसी में 16, किसी में 64, लेकिन आपको पता है इस आँख में, इसकी आँख के अंदर कितने मेगा पिक्सल का कैमरा लगा हुआ है। इसमें जानते हो, इसमें कम से कम 576 मेगा पिक्सल, 576 मेगा पिक्सल का कैमरा पावर इसमें है। अर्थात समझ सकते हो कि आँख हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हम इसे वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन आज आप लोग इसको वैल्यू देंगे, क्योंकि इसमें जो कैमरा लगा हुआ है यह आपके मोबाइल से कई गुना अधिक है। कभी भी आपने सोचा है कि हमारे अंदर, आँख के अंदर जो कैमरा होता है वह कभी फुल होता है? इसका मेमोरी कभी भी फुल नहीं होता है। लेकिन अगर आपके पास मोबाइल है, उसमें कुछ भी डाउनलोड करते हैं, तो वह जो 1-2-3 दिन के अंदर बता देता है कि चलिए आपका मोबाइल का मेमोरी फुल हो गया, लेकिन इसमें कभी भी मेमोरी फुल नहीं होता है। तो आप सोच सकते हैं कि यह कितना इम्पोर्टेंट होता है, जिसका मेमोरी कभी भी फुल नहीं होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आँख के बारे में। सबसे पहले देखते हैं ये जो आईब्रो आईब्रो जो दिख पड़ रहा है ना, ये ऐसे देखते हैं कि इसमें हम लोग सुंदरता के लिए यूज करते हैं, लेकिन नहीं मेरे स्टूडेंट्स, इसका सुंदरता के लिए नहीं, इसका एक काम और है। वह है हम अगर पसीने पसीने को आंखों के अंदर जाने से रोकता है, पानी को, वाटर को आंखों के अंदर जाने से रोकता है। तो ये भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे आंख का। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इसे आईलिड आईलिड चलते हैं ना, ये भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास आंखों में अगर धूल कण पड़ता है, तो इसे बचाने में हमारी आंख क्या करती है, तुरंत आंखें बंद कर लेती है। अगर आंखें बंद कर लेती है तो हमारी आंख धूल कण से बच जाती है। अगर कहीं आपको डर लगता है, तो सबसे पहले ये आईलिड, इसे हम आईलिड कहते हैं, ये क्या होता है, बंद हो जाता है। इस तरह हमारी आंखों को सेफ्टी करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे आँख में कौन कौन से पार्ट होते हैं, जिसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कॉर्निया के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे आयरिस के बारे में, पिपुल के बारे में, लेंस के बारे में पढ़ेंगे, सस्पेंसरी लिगामेंट पढ़ेंगे, सिलेरी मसल्स पढ़ेंगे, रेटिना, ब्लाइंड स्पॉट और लास्ट में ऑप्टिक नर्व के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी आँख ये कैसी होती है। देखिए, ये हमारी आँख का ये आंतरिक जो इंटरनल फिगर है, ये हमारी आँख का जो इंटरनल फिगर है, सबसे पहले ये जो आँख का जो बाहर की ओर दिखाई पड़ रहा है, ये उभरा हुआ भाग, ये उभरा हुआ भाग जो बाहर निकला होता है, ये उसको हम कॉर्निया कहते हैं, इसे हम कॉर्निया कहते हैं। ये बहुत एक पारदर्शी झिल्ली होती है, ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है कॉर्निया। कॉर्निया के द्वारा ही लाइट जो है आंखों में प्रवेश करती है, लाइट आंखों में प्रवेश करती है, ये लाइट से आप यहाँ प्रवेश करना, इसके लिए कॉर्निया के द्वारा ही प्रवेश करती है। अगर ये कॉर्निया धूमिल हो जाती है, तो हमारी आंखों में लाइट ठीक से प्रवेश नहीं कर पाती है और हम उस वस्तु को सही तरीका से नहीं देख पाते हैं। लेकिन कॉर्निया
अगर हम चाहते हैं कि हम आँख को अपना डोनेट कर दें, किसी को दान कर दें, तो हम लोग पूरी आँख नहीं डोनेट करते हैं स्टूडेंट्स, हमें किसको डोनेट करते हैं, सिर्फ कॉर्निया को डोनेट करते हैं। इसकी जो लेयर होती है, पारदर्शी ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, उसी को हम लोग डोनेट करते हैं, सिर्फ कॉर्निया को डोनेट करते हैं। अब कॉर्निया के बाद अब देखते हैं कि ये जो इसमें एक खाली स्थान आता है ना, इसमें एक लिक्विड भरा होता है, जिसमें 99% वाटर होता है, कुछ में प्रोटीन होती है और मिनरल्स होती है, जो लेंस को न्यूट्रिशन देने का काम करती है। लेंस है, लेंस को न्यूट्रिशन देने का काम करती है। इसे हम भी इसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। इसमें भरा हुआ है, इसमें एक्वस ह्यूमर, इसमें इसको क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। इसमें जो लिक्विड होता है ना, ये द्रव होता है, उसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। या ये भी ट्रांसपेरेंट होता है, इससे आर पार जो है प्रकाश पार कर जाती है। हमारी आई में जितने भी मटेरियल होते हैं उसमें मोस्टली ट्रांसपेरेंट होते हैं, क्योंकि उसमें लाइट आर पार आसानी से करती है। अब इसके बाद देखते हैं ये जो बीच का होल है, ये बीच का होल दिखाई पड़ रहा है, उसे हम पुपिल कहते हैं। ये पुपिल कहते हैं, ये गेट होता है जो लाइट को आंख के अंदर आने देता है। ये जो है बड़ा और छोटा होते रहता है, देखिएगा तब बड़ा और छोटा होते रहता है। जैसे अभी हम देखते हैं, देखिए एक पुपिल है, ये सामने जो दिख रहा है ना, ये काले भाग काले रंग के सामने है, ये पुपिल है। और इसके चारों ओर ये जो चारों ये दिखाई पड़ा ना, ये आयरिस होता है, आयरिस होता है, आयरिस। आयरिस क्या करता है कि हमारे आंखों का कलर प्रदान करता है। हम लोग देखते हैं भिन्न भिन्न कलर के, भिन्न कलर वाले व्यक्ति जो है दुनिया में दिखाई पड़ते हैं। किसी का आंख भूरा होता है, किसी का आंख काला होता है, किसी का नीला होता है, तो ये किसके कारण होता है, ये आयरिस के कारण। ये सामने जो दिख रहा है ना, ये आयरिस होता है, ये देखिए ये आयरिस होता है। और तो आयरिस के कारण ही हमारी आंखों का रंग बनता है, जिस जैसा आयरिस होगा हमारी आंखों का रंग उसी तरह होता है। और इसके बीच में एक पुतली है, ये पुतली है, इसको पुतली बोलते हैं, और इसको पुपिल कहते हैं, इसको पुपिल कहते हैं, पुतली हिंदी में कहते हैं, पुपिल इंग्लिश वर्ड है, तो इसको पुपिल कहते हैं। इससे होकर ही आँख ये काला क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये बीच का होल है, होल होल है, इसलिए ये काले दिखाई पड़ रहा है, एक होल है। तो पुतली कभी ये छोटी दिखाई पड़ रही है, ये बड़ी दिखाई पड़ रही है, ऐसा क्यों होता है। जब हम कम प्रकाश वाले एरिया में जाते हैं तो पुपिल बड़ी हो जाती है, जब हम प्रकाश वाले स्थानों में जाते हैं तो पुपिल छोटी हो जाती है। यानी कि जब हम रूम में रहते हैं, अंधेरे रूम में रहते हैं, तो पुपिल क्या होती है, बड़ी। क्यों? क्योंकि अंधेरे रूम में हमें अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, और इसके लिए हमें पुपिल को जो है पुपिल को क्या करना पड़ता है, बड़ा करना पड़ता है, तो यह ऑटोमेटिक बड़ी हो जाती है। और जैसे ही हम अधिक लाइट वाले प्रकाश में कैमरे में जाते हैं या बाहर निकलते हैं, तो हमें ये क्या होता है, पुपिल ऑटोमेटिक छोटी हो जाती है, क्योंकि हमें कम लाइट की जरूरत होती है। तो और एक कारण और है, जब हम खुश होते हैं, अब हैप्पी मूड में रहते हैं, तब भी पुपिल बड़ी हो जाती है। इसलिए अगर आप ज्वेलरी की दुकान पर जाते हैं और अगर कोई गहना, अगर ऑर्नामेंट्स आपको पसंद आ जाता है, तो उस कंडीशन में आपके पुपिल का साइज बड़ा हो जाता है, तो ज्वेलर समझ जाता है कि आपको यह पसंद है, इसलिए वह दाम को कुछ ज्यादा ही बोल देता है, लेकिन फिर भी हमें पसंद होता है तो उसे ले लेते हैं। तो ये इसका दो यूज हो जाता है, एक आप अगर खुश हैं तो पिपुल का आकार बड़ा हो जाता है, अगर आप अंधेरे कमरे में हैं तब भी पिपुल का आकार बड़ा हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप लाइट वाले कमरे में पहुंचते हैं या बाहर पहुंचते हैं, तो पिपुल का आकार छोटा हो जाता है। अब देखते हैं ये हमारी आंख है, इसमें देखिए कि पुपिल का छोटा होना या बड़ा होना किस पर डिपेंड करता है, या लाइट पर डिपेंड करता है। अगर इससे ज्यादा लाइट आएगा तो पुपिल छोटा हो जाएगा,
और बड़ा कम लाइट आने पर ये पुपिल बड़ा हो जाएगा। ये जो है ये दिखाई पड़ रहा है ने, ये रंगीन भाग यही आयरिस होता है, जो हमारी आंखों को अपना रंग प्रदान करता है। यही ये छोट ये जो कभी फैलता है कभी सिकुड़ता है। आयरिस जब लाइट कम होती है तो फैल जाता है, मतलब कि ये सिकुड़ जाता है और इस पुपिल का गेट बड़ा हो जाता है, इसे अधिक से अधिक लाइट इसमें प्रवेश करता है। इसके बाद आता है लेंस। देखिए जो लेंस है दिखाई पड़ रहा है, ये बाई कन्वेक्स लेंस होता है। ये बाई बाई यानी दोनों तरफ वेक्स होता है, इधर भी और इधर भी, इसलिए ये बाई कन्वेक्स लेंस होते हैं। हमारी आंखों में एक लेंस होता है वह कॉन्वेक्स लेंस होता है। यह जो है प्रोटीन का बना होता है। ये किसका बना होता है? प्रोटीन का फ्लेक्सिबल होता है। और ये क्या करता है? अपने साइज को बदलते रहता है। किस पर? ये देखिए का ये जो है कनेक्टेड होता है, ऊपर से और नीचे से कनेक्टेड होता है। उसका सस्पेंसी लिगामेंट के द्वारा कनेक्ट होता है। जब इसमें खिंचाव होता है तो लेंस पतला हो जाता है, खिंचाव होता है तो लेंस पतला हो जाता है, और जिसमें दबाव होता है तो लेंस मोटा हो जाता है, यानी फ्लेक्सिबल होता है। ये जेली टाइप का होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। इसी के द्वारा लाइट हमारी आंखों में के अंदर प्रवेश करता है। और इसके बाद ये आती है, ये जो खाली जगह दिख रहा है ना, इसमें भी खाली नहीं होता है, वास्तव में इसमें विट्रस ह्यूमर भरा होता है, यानी कि ये भी एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक का लिक्विड होता है। इसमें जो भरा होता है ना, ट्रांसपेरेंट जेली लाइक का लिक्विड होता है, यह आंखों का शेप प्रदान करता है। अगर इसमें भरा हुआ ना हो तो आंख यह पिचक सकता है, दब सकता है और शेप उसका गबड़ा सकता है। तो इसमें आंखों का शेप देने के लिए इसमें एक लिक्विड होता है, जिसे हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं इस दीवार पर। इस दीवार को जो दिखाई पड़ रहा है, सामने की ओर जो दीवार दिखाई पड़ रहा है, उसे हम रेटिना कहते हैं। इसमें रेटिना कहते हैं, इसी में किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। चलिए देखते हैं, ये रेटिना सामने जो पड़ा हुआ है, ये रेटिना इस सामने पड़ा हुआ ये रेटिना कहलाता है। इसी में किसी ऑब्जेक्ट का, देखिए ये ट्री है, ट्री का ऑब ये ट्री इसका ऑब्जेक्ट का फिगर यहाँ बन रहा है। फिगर देखिए उल्टा बन रहा है, इधर ऊपर था लीफ, ये लीफ नीचे की ओर दिखाई पड़ रहा है, ये इसका रूट नीचे ये ऊपर दिखाई पड़ रहा है। इस तरह हमारा हमारे आँख में किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। और कैसा बनता है? उल्टा बनता है, लेकिन हम उसे देखते हैं सीधा। ऐसा क्यों? क्योंकि यह हमारी आंखों में ये देखते हैं, हमारी आंखों में एक ऑप्टिक नर्व्स, इधर से ऑप्टिक नर्व्स यहाँ पर जो है ऑप्टिक नर्व्स होती है, और वह फिगर को उल्टे फिगर को ब्रेन में ले जाती है, मस्तिष्क में ले जाती है, और मस्तिष्क उसे सीधा कर देता है, तब हम किसी वस्तु को सीधा देख पाते हैं। अब देखते हैं ये इसको इस जगह पर क्या होता है? ऑप्टिक नर्व, ये ऑप्टिक नर्व होता है जो जो फिगर को ब्रेन में ले जाता है। कहाँ ले जाता है? ब्रेन में, और ब्रेन उसे हम सीधा करता है। तो हम इस पेड़ को हम कैसा देखेंगे? सीधा देखेंगे, स्ट्रेट देखेंगे। ऐसे उसका रेटिना पर इमेज जो बनता है वह उल्टा बनता है, यह अपोजिट बनता है, इसका इसका अपोजिट इसमें फिगर बनेगा। रेटिना के अंदर देखेंगे ये जो समतल दिखाई पड़ा, प्लेन ऐसा होता नहीं है। इसमें रेटिना दो सेलों से बना होता है, एक कोन सेल और एक रड सेल, एक कोन सेल और एक रड सेल से बना हुआ है। एक कोन सेल लाइट में एक्टिव हो जाता है और रड सेल ये डीम लाइट में एक्टिव रहता है। जब लाइट कम रहता है तो एक्टिव रहता है रड सेल, और जब लाइट ज्यादा रहता है कौन से एक्टिव हो जाता है। अगर किसी एनिमल में कौन से ज्यादा है तो उसे कोई वस्तु ऑब्जेक्ट जो है कलरफुल दिखाई पड़ती है, अगर कम है तो वह प्लेन वह व्हाइट कलर का दिखाई पड़ती है। अगर किसी ये जो है कौन
कोन, कोन से लाइट में एक्टिव होता है, इसलिए हमें लाइट में कोई भी वस्तु कलरफुल दिखाई पड़ती है। अगर आप अंधेरे कमरे में प्रवेश कर जाए तो कोई भी कलरफुल ऑब्जेक्ट भी ब्लैक दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में कोन सेल एक्टिव नहीं होता है, ये लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है कोन सेल, और रेड सेल ये लाइट लाइट के प्रति सेंसिटिव नहीं होता है। इसलिए देखते हैं आउल, आउल को देखिएगा, ये रात में इसको दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोन सेल की संख्या न के बराबर होती है और रेड सेल की संख्या अधिक होती है, इसलिए आउल को रात में दिखाई पड़ता है। इसे देखिए, इसे भी रैबिट, इसे भी इसमें भी रेड सेल ज्यादा होता है, कोन सेल कम होता है, इसलिए इसमें यह जो है सेंसिटिव, उसका आंख जो है डार्क के प्रति सेंसिटिव होता है, इसलिए उसके रात में दिखाई पड़ती है, ये दोनों को दिन में नहीं दिखाई पड़ती है ये। और इसे अगर किसी ऑब्जेक्ट किसी एनिमल में रेड सेल की संख्या ज्यादा हो तो वह जो है वस्तु को कलरफुल नहीं देख पाएगा, इसलिए किसी में कलरफुल दिखाई नहीं पड़ती है। अभी कॉर्क की बात की जाए, उसको उसके कलर टीवी भी व्हाइट दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसको उसे उसमें रेड सेल की मात्रा ज्यादा होती है और कोन सेल कम होता है। उसे यह नहीं प्रभाव पड़ता है कि कौन ऑब्जेक्ट कलरफुल है और कौन व्हाइट है। तो रेड रेड सेल और कोन सेल, इसने आपने देखा। अब इसमें देखेंगे कॉर्निया का कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो वहां पर ऑप्टिक नर्व आता है, ज्वाइंट होता है, उसे हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। इस पार्ट पर अगर लाइट पड़े तो हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं, तो यह ब्लाइंड स्पॉट वह ऐसे पार्ट होता है जिस जगह पर ऑप्टिक नर्व्स आपस में मिलते हैं और यह कनेक्ट होकर के ब्रेन में जाते हैं। कनेक्ट होकर के कहाँ जाते हैं? ब्रेन में। तो उस पार्ट उस पॉइंट पर अगर लाइट पड़ता है तो उसे हम नहीं देख पाते, इसलिए इसे बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो आपने अभी पढ़ा आई के बारे में, ये आई होती क्या है। नेक्स्ट